मैं आज दसवीं के उर्दू की किताब नवाए उर्दू का नसरी भाग में से पहला अफसाना शुरू करने जा रहा हूं। अफसाना में सबसे पहले अफसाना की तारीफ हमें जाननी चाहिए। अफसाना किसे कहते हैं इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अफसाना के बाद हम सवाने उम्री और जो ड्रामा है वो उसके बाद मजमून नवेसी वगैरह इसमें दिया गया है। उर्दू नवाए उर्दू में नसरी भाग में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अफसाने से बदलते हुए जमाने का साथ अपने वालों का मुख्तसर अफसाना की खास कशिश रखता है। इस तरह हम अफसाना की तारीफ जानने के लिए अफसाना किसे कहते हैं ये भी जानना है कि अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें जिंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। नक्कादों ने अफसाने की मुख्तलिफ तारीफें बयान की है। एक नक्काद ने कहा है कि अफसाना ऐसी नसरी तकनीक है जो एक ही नशिश्त में पढ़ी जा सके। एक और इत्तका का कौल है कि अफसाने में बुनियादी चीज वहदत तासुर है। नक्कादों का ये भी कहना है कि अफसानों के किरदार हमारी जिंदगी और तजर्बों से मुताबिकत रखते हैं। अफसाना कहानी इक्तिसार के साथ जिंदगी के किसी अहम गोशे को हमारे सामने पेश करता है। मुख्तसर होने की वजह से वाकयात में झोल हुए होने के अंदेशे भी कम होते हैं। अफसाना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुतालिया गहरा होता है। उर्दू के अहम अफसाना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मंटू, असमत चक्ताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, गुलाम अब्बास, कुर्रतुल आयन हैदर और इंतजार हुसैन के नाम लिए जाते हैं। इनके बाद नए अफसाना निगारों की एक बड़ी तादाद भी हमारे सामने आ चुकी है। उर्दू की अदबी असनाफ में अफसाने का मर्तबा बहुत बुलंद है। बहुत से उर्दू अफसाना दुनिया के मुख्तलिफ जबानों में तर्जमा किए जा चुके हैं। इनमें से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि अफसाना किसे कहते हैं और अफसाना निगार कौन कौन से हैं और आपके दसी किताबों में भोला किस तरह का मजमून है। सिलेबस में जो नवाए उर्दू के पहला अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी के जरिए लिखा गया है। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1915 में और वफात 1984 में होता है। राजेंद्र सिंह बेदी तहसील का दस्ता जिला सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए। 1932 में तालिबे इल्मी के जमाने में अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी में नज़में और कहानियां लिखने लगे थे। कुछ मुद्दत बाद पोस्ट ऑफिस लाहौर में 1943 में डाकखाने की मुलाजमत से मुस्ताफी होकर मरकजी हुकूमत के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत स्टाफ आर्टिस्ट काम करने लगे। 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए लेकिन एक ही साल में इस्तीफा देकर बंबई चले गए और फिल्मों के लिए लिखने लगे। उनके अफसानों के 6 मजमूए शाये हुए। दानव दाम 1965 में, गरहन 1942 में आजादी से पहले शाये हो चुके थे और कोक जली 1949 में, अपने दुख मुझे दे दो 1965 में, हाथ हमारे कलम हुए 1974 में और मुक्ति खुद
1982 में आजादी के बाद मंजरे आम पर आए ड्रामों के दो मजमुए बेजान चीजें 1943 में और सात खेल 1946 में छाए हुए। राजेंद्र सिंह बेदी का नावलिस्ट एक चादर मैली सी 1962 में उनकी तसानीफ में सबसे ज्यादा मशहूर हुआ। राजेंद्र सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाई जिनमें दस्तक खासी मशहूर हुई। मिर्जा गालिब, देवदास, मधुमति और अनुराधा में बेदी के मुकाल में बहुत मशहूर हुए। बेदी के अफसानों में एक हमदर्द इंसान की नरमी और दर्दमंदी है। वो हर चीज को गहरी नजर से देखते हैं। बेदी ने अपने अफसानों में नई तस्वीरें, नए इश्तियारे किनाया वजह किए गए हैं। इस तरह हम देखते हैं कि उन्होंने जो 10वीं किताब में सिलेबस के अंदर दिया गया है वो मजमून भोला के नाम से मशहूर है, और भोला के नाम से मशहूर है जो अफसाना है वो 10वीं किताबों में आता है। उनमें उन्होंने शुरुआत की है जिसको मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने माया को पत्थर के एक कूजे में मक्खन रखते हुए देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया, और इस तरह मक्खन को जमा करने की कोई खास वजह थी। ऐसी बात अमूमन माया के किसी अजीज के आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपने बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूं तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपने बहन और भांजी से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवा कर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता था कि अगरचे उसका सुहाग लूट गया है, मगर जब तक उसका भाई जिंदा है उसकी रक्षा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी और गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना। मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया। भोले का जिस्म बहुत नरम व नाजुक था और उसकी आवाज बहुत सुरीली थी, जैसे कमल की नजाकत और सफेदी गुलाब की सुर्खी और बुलबुल की इल्हानी को इकट्ठा कर दिया हो। अगरचे भोला मेरी लंबी और घनी दाढ़ी से घबरा कर मुझे अपना मुंह चूमने की इजाजत न देता था, ताहम मैंने जबरदस्ती उसके सुर्ख गालों पर प्यार की फेरिस्त कर दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामूजी, तेरे माताजी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तहमुल के बाद जवाब दिया, मामूजी। माया ने स्तोत्र पढ़ना छोड़ दिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी, माया ने स्तोत्र पढ़ना छोड़ दिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपने बहू के इस तरह खिलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अपने कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने, खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था, मगर माया ने अज खुद अपने आप को समाज के रूप परसा आकाम को ताबे कर लिया था। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात के पिटारी अपने संदूक में मुकफल करके चाबी एक जौहर में फेंक दी थी। माया हंसते हुए अपना कपड़ा, अपना पार्ट जारी रखा।
इस तरह शेर है, हर हरी हर हर हरी हर हरी मेरे बारीकियां देर इतनी करी मेरी बारीकियां देर। इसमें बताया गया है कि हर हरी अपनी बारीकियां इतने देर करी, फिर उसने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए कहा, भोले तुम नन्ही के क्या होते हो भाई। भोले ने जवाब दिया, इसी तरह तेरे मामूजी मेरे भाई हैं। भोला ये बात न समझ सका कि एक शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामूजान उनके बाबा जी के भी मामू जी हैं। भोले ने इस मखमसे में पढ़ने की कोशिश न की और अच्छा और उचक कर माँ के गोद में जा बैठा और अपने माँ से गीता सुनने के लिए इसरार करने लगा। गीता महज इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिर में महत्तम सुनकर वो बहुत खुश होता और फिर ज्वार के किनारे उगी हुई धूप की मखमली तलवारों में बैठकर घंटों एक महात्मा पर गौर करता। इस तरह मुझे दोपहर के अपने घर से 6 मील दूर अपने मजरों में पहुंचना होता था। बूढ़ा जिसमें इस पर मुसीबतों का मारा हुआ जवानी के आलम में 3-3 मन बोझ उठाकर दौड़ा क्या, मगर अब 20 शेर बोझ के नीचे गर्दन पिचकने लगती है। बेटे की मौत ने उम्मीद की आस में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब उसमें और अब मैं भोले के सहारे ही जीता था, वरना दरअसल तो मर चुका था। रात को मैं थकान के वजह से बिस्तर पर लेटते हुए ओंघने लगा। जरा तावकुफ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज दी। मैं अपने बहू की सआदत मंदी पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए मैंने कहा, मैं बूढ़े की इतनी परवाह क्या करूं बेटा। भोला अभी तक न सोया था, उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। भोला बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने आसमान पर निकले हुए सितारों को देखते हुए कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। इस तरह भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। हमेशा उससे यही सुनने का आदि था कि भोला बाबा जी का है माता जी का नहीं। मगर इस दिन हल्लू को कंधे पर उठाकर 6 मील ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। शायद मैं इतना थकता अगर मेरा नया जूता एड़ी को न दबाता और इस वजह से मेरे पांव में टीसें न उठती। इस गैर मामूली थकन के बायस मैं भोले के दो बात भी बर्दाश्त की। मैं आसमान में सितारों को देखने लगा। आसमान के जुनूबी गोशे में एक सितारा मशल के तरह रोशन था। गौर से देखने पर मद्धिम होने लगा। मैं ओंघते ओंघते सो गया। सुबह होते ही मेरे दिल में नया ख्याल आया कि भोला सोचता होगा कि कल रात बाबा ने मेरी बात किस तरह बर्दाश्त की। मैं इस ख्याल से लरज गया कि भोले के दिल में कहीं ये ख्याल ना आया हो कि अब बाबा मेरे परवाह नहीं करते। शायद यही वजह थी कि सुबह के वक्त उसने मेरे गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला,
मैं नहीं आऊंगा तेरे पास बाबा। क्यों बोले? भोला बाबा का नहीं नहीं भोला नहीं क्यों बोले? भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मना लिया और चंद ही लम्हात में भोला बाबा जी का बन गया और अपने नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया हर स्तोत्र पढ़ रही थी। फिर उसने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर कुएं के साफ पानी से छाछ को खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए शेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। इतना खुश के मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ बाप बहन भाई खाविन बच्चे सबसे वो बहुत ही प्यार करते हैं और इतना करते हैं फिर खत्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों के झुर्रियों पर रखे, माया के तरफ से चेहरे को हटाकर अपने तरफ कर लिया और बोला, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? इस बात का बेटा, तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी होगी। इस तरह ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का इंतजार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी की कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वह खाना खाकर पलंग पर जा लेटते हैं, जिस पर वह बाबा जी या माता जी के मदद से बगैर नहीं चढ़ सकता था। चुनांचे वक्त से आध घंटा पेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया। मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपने कहानी सुनने के चाव से। मैंने मामूली से आध घंटा पहले खाना खाया। अभी आखिरी निवाला मैंने तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ में हल्की सी एक जरीब थी जिस उसने कहा कि खानका वाले कुएं पर आपके जमीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है। दालान के तरफ नजर डाली तो मैंने देखा कि भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा है। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा सा तकिया भी एक तरफ रख दिया और पायती पर पांव उड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अगरचे भोला का इसरार मुझे जल्द रोटी खिलाना और बिस्तर बिछाकर मेरे तवाजो करना अपने खुदगर्जी पर मबनी था, ताहम मेरे ख्याल में आया मैं पटवारी से कहा, खानका वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं तो उसका चेहरा इस तरह मधुर पड़ गया जिस तरह गुज़िश्ता शब आसमान के एक कोने में मशल की मानिंद रोशन सितारा मुसलसल देखते रहने के वजह से मान पड़ गया था। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है? खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता? आप कम से कम आराम तो कर लें। ओ आराम तो करने अव्वल तो ये बात है, मैंने जेरे लब कहा, पटवारी चला गया तो क्या काम? एक माह से न हो सकेगा। माया खामोश हो गई और बोला के भोले, उसकी आंखें नमनाक हो गई। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी। बोले, मेरे बच्चे मैंने भोले
सर देखिए, मैंने पटवारी से कहा था खानका वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। मैं भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। चेहरा इस तरह मदिन पड़ गया जिस तरह गुजिश्ता सब आसमान के एक कोने में मशल के मानिंद रोशन सितारा मुसलसल देखते रहने की वजह से मान पड़ गया था। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी, खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता, आप कम से कम आराम तो कर लें। अव्वल तो यूं है कि मैंने जेरे लब कहा, पटवारी चला गया तो ये काम एक माह से अधर न हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बसोरते हुए कहा, उनकी आंखें नमनाक हो गई। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी, मेरी कहानी। भोले मेरे बच्चे, मैंने भोले को टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, मैं बाबा का भोला नहीं बनता। अब जब मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट इस्तराहत के लिए निकाल सकता था, भला भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता, आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने में चादर उतार कर चारपाई के पायती पर रख दी और अपनी दबती हुई एड़ी की को जूते के कैद से निकाल दिलाते हुए पलंग पर लेट गया। भोला फिर अपने बाबा का बन गया। लेटते हुए मैंने भोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता हो बैठे तो उसका तुम जिम्मेदार हो। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त सात शहजादों और सात शहजादियों के एक लंबी कहानी सुनाई। कहानी में उसकी बाहमी शादी को मैंने मामूल से ज्यादा दिलकश अंदाज में बयान किया। भोला हमेशा इस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादा और शहजादी की शादी हो जाए, शहजादा और शहजादी की शादी हो जाए। मगर इस बात का उसको एहसास था और सारी जानकारी उसको थी। इस रोज भोले की मुंह पर खुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि वो अफसरदा सा मुंह बनाए खफीफ तौर पर कांपता रहा। इस ख्याल को पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतजार करते करते थक कर अपनी हल्की हल्की अनकी हल्की झनकार पैदा करने वाली जेब मैं डालकर कहीं अपने गांव को रुक न कर ले। मैं जल्दी जल्दी मगर अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। गोया माया जूते को सरसों का तेल लगा दिया था, ताहम वह नरम और मुतलक न हुई थी। शाम को जब मैं वापिस आया तो मैंने भोले को खुशी से दालान से सहन में और सहन से दालान में कूदते फांदते देखा। वो लकड़ी के एक डंडे को घोड़ा बनाकर उसे भगा रहा था और कह रहा था। इस तरह एक कहानी उसको बयान कर दिया गया जिसमें ये बता रहा है कि चल मामू जी के देश, रे घोड़े मामू जी के देश, मामू जी के देश, हाँ हाँ मामू जी के देश घोड़े। जो ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने अपना गाना खत्म कर दिया और बोला, बाबा आज मामू जान आएंगे ना, फिर क्या होगा भोले? मैंने पूछा। मामू जान आंगन बोट लाएंगे, मामू जी कल्लू यानी कुत्ता लाएंगे, मामू जी के सर पर मक्की के भुट्टों का ढेर लगाना। बाबा हमारे यहाँ तो मक्की होती है ना बाबा, और ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होंगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किसी खूबी से
ख्वाब में भी न देखे होगे कि अल्फाज साथ साजादों और साथ साजादियों वाली कहानी के बयान में से उसने याद रखे थे। जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत जहीन लड़का होगा और हमारे नाम को रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा जा और मामू जी की शक्ल देखते हुए अंदर के तरफ दौड़े और पहले पहल अपना माता जी और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाई। देव को मामू जी को सबक सुनाई। देव को दो दिया सलाई दिखाई गई। जो जो रात का अंधेरा गहरा होता गया, देव की रोशनी ज्यादा होती जाती। मुतफकराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, किसी काम की वजह से ठहर गए होंगे। मुमकिन है कोई जरूरी काम आ पड़ा हो। राखी के रुपये डाक में भेज देंगे, मगर राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए। मैंने भोले को कहा कि माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आएंगे तेरे मामू जी। मेरे भोले। फिर भोले ने अपने नरम और नाजुक बाजू को अपने माँ के गले में डालते हुए कहा, मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं जो तुम नन्ही के हो। कहा, भाई तुम जानो। और हंसी, भोले का दोस्त के क्या होते हैं? कुछ भी नहीं, भाई भी नहीं। और भोला इस अजीब बात को सुनता हुआ सो गया। फिर मैंने अपने बिस्तर पर लेटा तो फिर वह मशल के माने चमकता हुआ सितारा आसमान के कोने में मेरे घूरने की वजह से मान होता हुआ दिखाई दिया। मुझे फिर भोले का चेहरा याद आ गया, जो मेरे खानका वो आने वाले खानका वाले कुएं को जाने पर तैयार होने की वजह से यूं ही मान पड़ गया था। इतना शौक है भोले को कहानी सुनने का, वह अपनी माँ को स्तोत्र भी पढ़ने नहीं देता। इतना छोटा बच्चा भला गीता को क्या समझेगा, मगर सिर्फ इस वजह से कि उसके अध्याय का महत्तम एक दिलचस्प कहानी होती है। वो न्याय सब्र से अध्याय के खत्म और महत्तम को शुरू होने का इंतजार किया करता। माया का को भाई अभी तक नहीं माया का भाई अभी तक नहीं आए, मैंने दिल में कहा। उसे अपनी बहन का प्यार से जमा किया हुआ मक्खन खाने के लिए तो आ जाना चाहिए था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते ओंघने लगा। यकायक मामा की आवाज से मेरी आंख खुली। वह दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। मैंने कई बार कहा है, तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ न किया करो। मैंने कहा, दूध पीने के बाद फटते शक्कर से मेरे आंसू निकल आए। हद से ज्यादा खुश होकर मैं माया को यही दुआ दे सकता था ना कि वह सुहागवती रहे। कुछ ऐसा ही मैंने कहना चाहा, मगर इस ख्याल से कि आने से कि उसका सुहाग तो बरस हुए लुट गया था, मैंने कुछ न कहा और कुछ कहने के गर्ज से अपनी दिक्कत को दबाते हुए कहा, बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर न रहेगा। फिर मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला नन्हे को, जो के उसके साथ ही सो रही थी, फिर धकेलते हुए आंखें मलते हुए उठाकर उठते ही उसने कहा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए और इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब हो गई। आयन इस तरह जिस तरह एक क्षमा से
दूसरी क्षमा रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वह भोले को लेटा कर थपकने लगी। माया के आंखों में भी नींद आने लगी। यूं ही जवानी में नींद का गलबा होता है और फिर दिन भर काम काज करके थक जाने के वजह से माया गहरी नींद सोती थी। मेरी नींद तो आम बूढ़ों की सी नींद थी। कभी एक आध घंटे तक सो लेता, फिर दो घंटे जागता रहता, फिर कुछ देर ओंघने लग जाता और बाकी रात अख्तर शुमारी करते गुजार देता। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लेटा लिया। बत्ती जलती रही, वो सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने सोई हुई माया से कहा, सबसे बड़ी बात ये थी कि इस दफा मेले पर जो लोग आए थे उनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि नन्हे नन्हे बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के एक गांव में दो एक ऐसी वारदातें हुई थी और इसलिए उसने भोले को अपने पास लेटा लिया। मैंने देखा भोला जाग रहा था। उसके बाद वो मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर न देखा, घबरा कर हाथ पसारा तो मैंने देखा कि भोला भी बिस्तर पर न था। मैंने अंधों की तरह दरो दीवार से टकराते हुए ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देखा, माया को जगाया, घर का कोना कोना छाना, भोला कहीं न था। माया हम लुट गए। मैंने अपना सर पीटते हुए कहा, माया माँ थी, उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ है, कोई उससे पूछे, अपने सुहाग लुटने पर उसने इतनी बाल नोची थी जितने के उस वक्त नोचे, उसका दिल बैठा जा रहा था और वो दीवानों के तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गई और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनने और रोने पीटने लगी। मैं औरतों से ज्यादा पीट रहा था। आज मैंने एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते भी देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। वो वक्त कहां से हाथ आए। मैंने दुआएं की तो किसी वक्त का दया काम आ जाए, मिन्नतें माने के भोला मिल जाए। वहीं अंधेरे घर का उजाला था, उसी के दम से मैं और माया जीते थे। इसके आस से हम आड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था। इसके बगैर हम कुछ न थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, नसें खींची हुई थी, आंखें पथराई हुई थी और औरतें उसके नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। मैं सच कहता हूं, एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पांव तले की जमीन निकल गई। एक साथ घर के दो बशर जब देखते देखते हाथों से चले जाएं, तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने लरजते हुए ईश्वर को बुरा भला कहा कि इन दुखों के देखने से बेशतर उसने मेरी ही जान क्यों नहीं ले ली। मगर जिसकी कजा आती है उसके सिवा किसी और का बाल तक बाका नहीं होता। करीब था कि मैं भी माया के तरफ गिर पड़ूं कि माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा कि मैं ही माया को सहारा दे सकता हूं और अगर मैं खुद इस तरह हौसला छोड़ दूं तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने हवास जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूं खाना खराब मत करो, हौसला करो। बच्चे अगवा होते हैं मगर आखिर मिल भी जाते हैं। बाजीगर बच्चों को मारने के लिए नहीं आ जाते, पाल कर बड़ा करके किसी काम में लाने के लिए ले जाते हैं। भोला मिल जाएगा। माँ के लिए ये अल्फाज बेमाने थे। मुझे भी अपने इस तरह सत्र करने पर गुमान हुआ। वो या मैं इसी वजह से चुप हो गया हूँ कि मुझे माया के मुकाबले में भोले से बहुत कम प्यार है। मगर नहीं, मैंने कहा, आदमी को जरूर कुछ हौसला दिखाना चाहिए।
इस वक्त आदमी आधी रात उधर थी और आधी रात इधर, जब हमारा पड़ोस इस हादसे की खबर था ना, मैं पहुंचाने के खबर थाने में पहुंचाने के लिए जो गांव से 10 कोस दूर शहर में था रवाना हुआ। बाकी हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतजार करने लगे ताकि वो दिल निकलने पर कुछ सुझाई दे। दफातन दरवाजा खुला और हमने भोले की मामू के अंदर आते देखा। उसके गोद में भोला था, उसके सर पर मिठाई की टोकरियां और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया दुनिया की तमाम दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा न खैरियत, और उसके गोद से भोले को छीन कर उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबादी दी। भोले की मामू ने कहा, मुझे किसी काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर सब की तारीकी में मैंने अपना रास्ता गुम कर बैठा था। यकायक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। मैं उसके जानिब बढ़ा। इस खौफनाक तारीकी में परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए कांटों में उलझे हुए देखकर मैं सशदर रह गया। मैंने उसके इस वक्त वहां होने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त कुछ कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। मैं देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होंगे, और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होंगे ना। इस तरह राजेंद्र सिंह बेदी तमाम किस्से को अफसाना के रूप में बयान करता है और ये समझाना चाहता है कि लाड प्यार बच्चे का क्या होता है और किस्सा सुनने की कितनी तड़प होती है। इस तरह आपने राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ अफसाना भोला आपने पूरे तहरीरी शक्ल में सुना। उसका खुलासा यह है कि राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने अफसाना भोला की इब्तिदा हिस्सा में बताया है कि माया एक बेवा है जो अपने बच्चे भोला और ससुर के साथ बेहोगी के दिन गुजार रही है। माया अपने ससुर के हर बात का ख्याल रखती है। ससुर भी उससे बहुत प्यार करते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। उसे रंग बिरंगे कपड़े पहनने, हंसते मुस्कुराते रहने देखना चाहते हैं, मगर माया समाज के डर से अपने ससुर की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे समाज में बेवाओं पर हर तरह की खुशियां और पाबंदियां कर दी जाती हैं। इस समाज के डर के वजह से माया ज्यादातर खामोश ही रहती थी। भोला इस बेवा माँ या माया का मासूम सा बच्चा है जो अपनी माँ और अपने दादा की आंखों का तारा बना हुआ है। वो भी इन दिनों बहुत प्यार करता है। उसे कहानियां सुनने का बहुत शौक होता है। वो कहानियां सुनने की बहुत चाहत रखता है। एक दिन वह अपने दादा से दोपहर में कहानी सुनाने की फरमाइश करता है तो दादा उसे कहते हैं कि दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, और ये कहते हुए कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं कि अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे या भूल जाए तो इसका जिम्मेदार तुम होंगे। भोला ये कहानी सुन तो लेता है मगर उसके चेहरे पर खुशी की कोई झलक दिखाई नहीं देती, क्योंकि अब उसके दिल में ये वहम समा जाता है कि मेरे मामू आने वाले हैं, कहीं वो रास्ता भूल न जाए। दादा भोला की कहानी सुनाकर जल्दी से अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी के वजह से लड़खड़ाते हुए पटवारी के पास जाते हैं। दादाजी जब अपने जमीनों की पैमाइश करवाने के लिए जाते हैं और फिर वापिस आते हैं तो भोला उन्हें खेलता हुआ नजर आता है, मगर खेलते हुए भी दरअसल वह अपने मामू का इंतजार कर रहा है। इसीलिए तो वह अपने दादाजी को चिढ़ाते हुए कहता है, मामू जी ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में कभी नहीं देखी होगी। माया भी दिन ही से अपने भाई की मुंतजर है, मगर रात हो जाने के बाद फिर वो जब भाई घर नहीं आता या पहुंचता है तो मायूस हो जाती है और अपने ससुर से कहती है कि बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए हैं। दादा उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी राखी डाक से भेज देंगे या भेज दिए होंगे।
माया यह सुनकर खामोश हो जाती है और सबके खाने का इंतजार करती है। जब सब लोग लेट जाते हैं और माया चिराग बुझाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो दादाजी यह कहकर उसे चिराग बुझाने से रोक देती है कि आजकल बहुत से ऐसे लोग आसपास में घूमते रहते हैं जो बच्चों को उठा ले जाते हैं, इसीलिए दिए जलते रहने दो। जब कुछ रात गुजर जाती है और रात में जब माया की आंख खुलती है तो वह भोला को नहीं पाती है और वो दीवानों के तरह चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और फिर बेहोशी तारी हो जाती है। दादा अभी परेशान हो उठते हैं और गुस्से में उन्होंने जिंदगी में पहली बार ईश्वर को बुरा भला कह डालता है और पहले वो बेहोश हो जाया करती थी, माया को होश में लाने की कोशिश करता है। तभी दादाजी को इत्मीनान होता है और उन्होंने आधी रात को एक आदमी रपट लगवाने के लिए थाने भेज देता है और थाना या घर से 10 मील दूर होता है। थाना में रपट लिखवाने के दौरान जब ही अभी कुछ ही देर गुजर जाती है कि अचानक दरवाजा खुलता है, खटखटाता है और उसका मामू और भोला के आने की खुशखबरी मिल जाती है। सचमुच रास्ता भूल गए होंगे और भोला के चिराग ने उन्हें रास्ता दिखाया। गोया वो बच्चा भोला चिराग लेकर वो रास्ता दिखाने के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसका मामा मिलता है और साथ दोनों वापिस लौट आता है घर। जब उन्हें भोला से पूछा कि इतनी रात वो रास्ता में क्या कर रहा था तो उसने बताया कि आज उसने दादा से दिन में कहानी सुनी थी कि कहानी सुनाने वाले दादा ने कहा था कि दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, जब आपको आने में देर हुई तो वो मेरी कहानी सुनने की वजह से उसे रास्ता भूल गया, इसलिए मैं चिराग लेकर यहाँ चला आया था कि मामू जान को हम रास्ता दिखा दें, जाके वो नहीं भूलेगा। इस कहानी में राजेंद्र सिंह बेदी ने जो भोला लिखा है उसमें कुछ मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, जिसको हल कर देने से एग्जाम में आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो 10 क्वेश्चन मुश्किल से है, छोटा और बड़ा मिलाकर। उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, भोला गीता शौक से क्यों सुनता था? दूसरा क्वेश्चन है, दोपहर में कहानी सुनने के बावजूद भोला के चेहरे पर खुशी क्यों नहीं नजर आ रही थी? तीसरा क्वेश्चन है, औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता है, मुसन्निफ ने इस बात को क्यों कहा है? चौथा क्वेश्चन है, भोला कहाँ चला गया था और क्यों गया था? अगला क्वेश्चन है, भोला की वापसी के मुंतजिर को अपना अल्फाज में बयान कीजिए। अगला क्वेश्चन है, इस सबक में कुछ मुहावरे दिए गए हैं उसको चुनना है। और अगला क्वेश्चन है, अफसाने में कुछ हिंदी अल्फाज है उसे भी निकालना है। और अफसाने के आगाज में राखी बांधने का जिक्र किया गया है, इस त्योहार का क्या नाम है और उस पर क्या मुख्तसर है, नोट